हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो महाराज पृथु का बहुत ही आदर्श चरित्र और महाराज पृथु का अद्भुत धाम गमन, श्रीमद् भागवतम जैसा ग्रंथ हमारे लिए एक दर्पण का कार्य करता है, हमें अपनी वास्तविक स्थिति भी दिखाता है और साथ ही साथ श्रीमद् भागवतम के ध्यान पूर्वक और धैर्य पूर्वक श्रवण और पठन से हमारे अंदर भी एक दृढ़ इच्छा उत्पन्न होती है कि हम अच्छी भक्ति करें और भगवत धाम वापिस जाएं। और श्रीमद् भागवत हमारे अंदर इच्छा भी उत्पन्न करता है और साथ ही साथ हमारा मार्गदर्शन भी करता है कैसे हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो महाराज पृथु का पूरा जीवन हमें शिक्षा देने के लिए शक्तिशाली अवतार हैं, भगवान के धाम से ही आए, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि भगवत धाम जाने के लिए कितनी मेहनत उनको करनी पड़ रही है। उनका तो भगवत धाम जाना सुनिश्चित था, भगवान के धाम से ही आए थे, फिर भी वानप्रस्थ लिया उन्होंने। और पिछले कुछ श्लोकों में बताया जा रहा है कि बहुत कड़ी तपस्या की, ग्रीष्म ऋतु में उन्होंने पंचाग्नियों का सेवन किया, वर्षा ऋतु में वर्षा की झड़ी में बाहर ही रहे, जाड़े की ऋतु में गले के तक जल के भीतर खड़े रहे। आप सोचिए हमारा गीजर खराब हो जाए आज के टाइम में, ठंडे पानी से नहा, ठंडे पानी में खड़े रहे यहाँ तक, इतनी तपस्या की, अपने इंद्रियों को पूरा रोका, वश में किया, वीर्य स्खलित नहीं होने दिया, शरीर के भीतर प्राणवायु को वश में कर लिया, बहुत कठिन तपस्याएं साधी और उन्होंने सनत कुमार जी की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया। पिछले श्लोक में उनको बोल गया था पुरुष ऋषभ, ऐसे पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। क्यों पुरुषों में श्रेष्ठ हैं? क्योंकि बहुत उत्तम भक्त हैं। और आज के श्लोक में उनको साधु बोला जा रहा है कि साधु हैं, तो साधु ही कोई पुरुषों में श्रेष्ठ हो सकता है। तो आज के श्लोक में बहुत सुंदर बता रहे हैं, उनकी साधना के गुण बता रहे हैं। भगवत धर्मिणा साधु श्रद्धया यतता सदा भक्ति भगवती ब्रह्मणी अनन्य विषया भगवत, कि वो भगवत धर्म का पालन कर रहे थे। तो इससे प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट कर रहे हैं कि पिछली तपस्याओं को देखकर हमें ऐसा ना लगे, और इस श्लोक में भी आ रहा है ब्रह्मणी, कि वो ब्रह्म में लीन होना चाहते थे, नहीं, वो भगवत धर्म का पालन कर रहे थे। भगवत धर्म का अर्थ है कि जिस प्रकार से भागवत के प्रथम स्कंध में हम पढ़ते हैं, नैमिष श्रेणी में इकट्ठे हुए सोनक आदि ऋषि ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे, और पहला और दूसरा प्रश्न ये था। पहला प्रश्न क्या था कि पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए क्या हितकर है, और दूसरा प्रश्न ये था कि कलयुग शुरू हो गया है, कलयुग के जीवों के लिए पूरे शास्त्रों का निचोड़ बता दीजिए। तो पहले और दूसरे प्रश्न के उत्तर में क्या उत्तर दिया था, इसी को याद है स्वामी ने? हाँ, सवे कौन सा पर्वत धर्मो यथा भक्ति अधोक्षति अहेतु की अप्रतिहता यात्मा सूत्र सिद्धति। इस संसार में प्रत्येक जीव पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहता है, पूर्ण रूप से खुश रहना चाहता है, तो उसके लिए बोला कि सारे संसार के जीवों के लिए सबसे हितकारी क्या है और सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है, सवे कौन सा पर्वत धर्म, भगवत धर्म का पालन करना मनुष्य के लिए। और कैसे? यथा भक्ति अधोक्षति, कृष्ण की भक्ति कैसे? अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी कारण के, बिना किसी अपनी इच्छा के, और अप्रतिहता बिना किसी रुकावट के, यह आत्मा सुप्रसिद्धति, तब आत्मा को पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त होगी। तो ऐसे भगवत धर्म का पालन पृथु महाराज कर रहे हैं। उसी भगवत धर्म के लिए दयानंद जी क्या कहते हैं, कौमारम आचरत प्राप्त धर्मान भागवत ही दुर्लभम मामुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थधम। ये भगवत धर्म करने की प्रैक्टिस 5 वर्ष की आयु से शुरू कर देनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण से प्रेम करना, भगवत धर्म का इन शॉर्ट बोलेंगे कृष्ण से प्रेम करना सीखना ना? तो कैसे कृष्ण के धाम जाएंगे? तभी जब कृष्ण से प्रेम करेंगे। तो कृष्ण प्रेम करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी है ना। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं भगवत धर्म मतलब अहेतु की अप्रतिहता भक्ति, यानी कि उत्तमा भक्ति, अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृता अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो इस उत्तमा भक्ति की हमने साधना करनी है। प्रभुपाद जी ने साधना भक्ति की ट्रांसलेशन की है, डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी है किसकी? भक्ति की। कौन सी भक्ति की? कपिल भगवान ने 3 स्कंद में भक्ति को ही बताया कि वो रजोगुण में भी होती है, तमोगुण में भी होती है, सतोगुण में होती है। भक्ति तो दिव्य है, लेकिन भक्ति करने वाला जो साधक है वो तमोगुण रजोगुण सतोगुण में होता है। हम जब भक्ति करते हैं
तो अपनी मानसिकता उस भक्ति में डाल देते हैं, अपने मिसकंसेप्शन के साथ हम भक्ति करते हैं ना। हर कोई भक्ति को अलग अलग ढंग से लेता है कि मेरे हिसाब से भक्ति ये है, मेरे हिसाब से भक्ति ये है। हमें सबको लगता है कि हम ठीक भक्ति कर रहे हैं, और अब क्योंकि जैसे हमारे संस्कार हैं उसी के अनुसार हम भक्ति करते हैं। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो परिभाषाओं की पुस्तक है, और उसका परिभाषित सूत्र है अन्य अभिलाषिता शून्यम। शुद्ध भक्ति की एक ही परिभाषा है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनामितम अनुकूलेन कृष्णम शीलनम भक्ति उत्तमा। इसी उत्तमा भक्ति को करके हम उत्तम स्थिति को प्राप्त करेंगे, यानी त्रिगुणातीत होंगे, तभी हम शुद्ध सत्व की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम उत्तमा भक्ति की प्रैक्टिस करेंगे। अगर अपने जो रजोगुण तमोगुण में स्थित रहकर ही जो भक्ति कर रहे हैं तो वो उत्तमा भक्ति नहीं है, तो उससे हम त्रिगुणातीत होने में बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत लंबा समय। तो यहाँ पे पृथु महाराज साधना कैसे करनी चाहिए वो दिखा रहे हैं, और साधना भक्ति की परिभाषा भक्ति के सामने सिंधु में रूप स्वामी देते हैं। कृति साध्या भवेत साध्या भावा सा साधना विदा नित्य सिद्ध से भाव से प्राकट्यम ही साध्यता। साधना भक्ति का अर्थ है अपने इंद्रियों और मन से भगवान की सेवा करना, इस ढंग से सेवा करना कि हमारे अंदर भाव प्रकट हो जाए, ऐसा भाव जो कि हृदय में स्थित है वो उजागर हो जाए। ऐसा नहीं है कि भाव हो जो प्रेम है हमें बाहर से थोपा जा रहा है, भाव अंदर है, क्या है वो, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कपुनाय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय। ये प्रेम हमारे अंदर है, साधना करके श्रवण आदि करके इसको उजागर करना है। ये जो श्लोक सनातन गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु ने बताया, इसमें वो उसके स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण में बताते हैं। स्वरूप लक्षण मतलब कि प्राइमरी, और तटस्थ मतलब सेकेंडरी। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का गुणाए श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय, इसका स्वरूप लक्षण क्या है और तटस्थ लक्षण क्या है। स्वरूप लक्षण जिस पे ये निर्भर करता है, हाँ श्रवण आदि। तो अगर हम श्रवण आदि सही ढंग से करेंगे तो फिर तटस्थ लक्षण प्रकट होगा प्रेम। कई बार हम साधना करते हैं सीधा प्रेम के पीछे भागते हैं, तो डू व्हाट यू आर सपोज टू डू, जो हमने करना चाहिए वो तो करें, रिजल्ट अपने आप आएगा। तो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, श्रवण आदि करना है, नित्यम भागवत सेवया करेंगे तो प्रेम को प्राप्त करेंगे, वो उसका तटस्थ लक्षण है। तो हम स्वरूप लक्षण पे ध्यान दें तो तटस्थ लक्षण अपने आप प्रकट हो जाएगा। और श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार से बच्चे के अंदर चलने का उसकी काबिलियत होती है, लेकिन वो चलने की प्रैक्टिस करता है तो चलना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अंदर चलने की एबिलिटी योग्यता है। बच्चा अगर उड़ने की प्रैक्टिस करेगा तो उड़ पाएगा। पक्षी का बच्चा उड़ने की प्रैक्टिस करता है वो उड़ जाता है, तो बोले नहीं हम भी उड़ने की प्रैक्टिस करेंगे, तो हम जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लें हम उड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर उड़ने की योग्यता नहीं है, चलने की योग्यता है, चल पाएंगे। प्रभु जी दूसरा उदाहरण भी देते हैं कि समझिए आप सड़क पे बाहर जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को देख रहे हैं कि बड़ी ही क्रूरता से वो अपनी पिटाई खुद कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, पागल है। और ऐसे पागल के इलाज के लिए उसको कहाँ ले जाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए। तो इस संसार में जितने भी बदजीव हैं पुराना माने वो सब पागलपन की स्थिति में है, और हमारे जो साइकेट्रिस्ट हैं वो हमारे गुरु हैं ना, वो बताते हैं चलो सोलह माला रोज करो, चार नियम का पालन करो, नहीं करो तो पागल हो जाओगे, ये आपके पागलपन को ठीक करने के लिए मंगल आरती आओ, ये करो वो करो। 64 अंग जो बताए गए हैं वो हमारी मेडिसन है, उन 64 अंगों का साधना भक्ति के 64 अंगों का सही ढंग से पालन करेंगे तो पागलपन ठीक होगा, अन्यथा पागलपन की स्थिति में हम अपने आप को पता नहीं क्या समझते रहते हैं कि मैं यहाँ का ये हूँ वो हूँ ये कर रहा हूँ, मेरे ये लक्ष्य हैं, अपने अपने लक्ष्य बना लेंगे। तो इसीलिए डॉक्टर की मेडिसिन लेना ये साधना भक्ति करना बहुत जरूरी है। और पृथ्वी महाराज सिखा रहे हैं कि साधना कैसे होनी चाहिए। इस श्लोक को ध्यान से देखिए, इसमें पृथ्वी महाराज की साधना के कौन कौन से अच्छे गुण नजर आ रहे हैं जो कि अपने जीवन में हम उतार सकते हैं। श्रद्धा पहला, और यत्तता और सदा, ये तीनों करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनन्य विषय, कोई विषय और नहीं केवल भगवान की प्रसन्नता।
ये भागवत धर्म है। तो ये तीन बातें हैं, श्रद्धा यतता सदा, हमारी साधना में तीन चीज़ें होनी चाहिए, बड़ी श्रद्धा के साथ पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। जो मार्ग पकड़ा है मैंने सबसे उत्तम मार्ग है ना, उत्साह निश्चय धैर्य पूरा निश्चय होना चाहिए, इससे उत्तम कोई मार्ग नहीं है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की हम शरण में हैं। और श्रद्धा की परिभाषा कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने क्या दी है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा में ये है कि मैंने जो कर लिया, जो कुछ मैंने कृष्ण भक्ति कर ली, सब कुछ कर लिया। वास्तव में जो भक्ति है अहेतु की है, अहेतु का एक मतलब होता है इसका कोई कारण नहीं है। भक्ति संजायते भक्ति, जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय, श्री श्री गोलिताय की जय, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, श्री राम शिवाय जी की जय। तो भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, भक्ति करने के लिए श्रद्धा की भी आवश्यकता नहीं। कौन सा उदाहरण है, बिना श्रद्धा के भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, अजामिल रत्नाकर डाकू बिना श्रद्धा के उनकी भक्ति शुरू हो गई। हम सबका भी ऐसे हुआ, सुकृति मिलती गई, भक्ति शुरू होती गई, फिर श्रद्धा विकसित हुई बाद में। लेकिन उत्तम भक्ति करनी है तो उसके लिए श्रद्धा चाहिए। उत्तम भक्ति क्या है, अन्य अभिलाषिता शून्य। बड़ा डर लगता है ऐसा करते हुए कि भैया अक्सर हमें लगता है कि हमारे में श्रद्धा है, लेकिन हर भक्त थोड़ा सा चिंतित रहता है मेरा भविष्य में क्या होगा, भगवान मेरे पालन करेंगे कि नहीं करेंगे। अपने को जुगाड़ करके रहने चाहिए। और बहुत से उदाहरण सब देखते हैं भैया, कहने की बातें कुछ और होती हैं, प्रैक्टिकल कुछ और होता है। समझदार बनो, आराम से चलो भैया। तो चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में है, कोई गृहस्थ आश्रम में, हर कोई सोच रहे अपने जुगाड़ साथ साथ में रखें और भक्ति करते रहे। वास्तव में ये श्रद्धा नहीं है ना। भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर महाराज कहते हैं, नास्तिक कौन है, नास्तिक वो है जो मान तो लेता है कि भगवान है, लेकिन ये नहीं मानता कि भगवान मेरा पालन करेंगे। ये श्रद्धा नहीं रखता कि भगवान मेरा पालन करेंगे, उसमें डाउट रहता है उसको, पता नहीं करे ना करे, लास्ट मिनट में बेटा फिर क्या होगा, ये बहुत डाउट रहता है हमें। तो इसलिए भागवत में चौथे स्कूल में बहुत सुंदर नारद चतुर्थ जी को उपदेश देते हैं, यथा करोर पूर्ण निषेच न तृप्यंत यस्कल भुजो पिशाखा, जिस प्रकार से पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, यथा उपहारच यथा इंद्र यथा इंद्रियाणाम तथैव सर्वारणम अच्युत, जिस प्रकार से पेट में भोजन डालने से सारी इंद्रियां तुष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार से पेड़ की जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। केवल अच्युत की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाएगी। तो हमें डर है, मैं जड़ में पानी डालूंगा, मैं भी इस जड़ का एक पत्ता हूँ, शाखा हूँ, मेरे तक पानी पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, है ना। क्योंकि भौतिक अनुभव हमारा ऐसा ही है, प्राइम मिनिस्टर ने सेंक्शन क्या किया, नीचे मिला क्या, करोड़ रुपए सेंक्शन किए मिले नीचे मुश्किल से 10 रुपए, तो बोले बीच में कट ना जाए, मेरे ये जो पोषण मेरा अपना खुद करना पड़ेगा, अपना जुगाड़ खुद करो। तो ये श्रद्धा की कमी है ना? और ये श्रद्धा जब तक नहीं होगी उत्साह नहीं आएगा। श्रद्धा होती है तो व्यक्ति यत्न करता है। श्रीला प्रभुपाद जी में अपने गुरु के आदेशों में पूरी दृढ़ श्रद्धा थी। 42 साल तक प्रभुपाद संघर्ष करते रहे, यत्न करते रहे। वास्तव में साधु का एक नाम है जो यत्न करता रहे। भगवद गीता में भगवान कहाँ कहते हैं यत्न करते हैं, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़वता। दृढ़ता के साथ साधु हमेशा यत्न करता रहेगा, ये नहीं कि सफलता नहीं मिली तो छोड़ दूंगा, नहीं, यत्न करता रहेगा। इसलिए साधु का एक नाम है यति। और यति राज किसको कहते थे, रामानुजाचार्य जी को भी यति राज कहते थे, है ना। और आप चाहते हैं उधर गोवर्धन परिक्रमा जगीपुरा, क्योंकि वहां माधवेंद्रपुरी जी ने कितना यत्न किया, माधवेंद्रपुरी जी ने, गोपाल ने कहा उनको ले आओ मेरे लिए क्या चंदन जगन्नाथपुरी से, यानी कि लोही बाजार से,
जगन्नाथपुरी जाओ, वही चंदन चाहिए मुझे, और आपको ही जाना है, किसी को डेलीगेट मत कर देना या किसी, आप जाओ जरा मैं देखता हूँ, यहाँ आपको ही लेके आना है, भगवान भगवान की परीक्षा कर लेते हैं। गए, उन्होंने ये नहीं सोचा चलो क्या भगवान क्या आपने बोल दिया, चले गए तुरंत। तो जब श्रद्धा होती है तो हमारे अंदर साहस आता है, हम कोई खतरा मोल उठा सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा खतरा मोल उठाया, 70 साल की उम्र में विदेश चले गए, आप सोचिए, ये श्रद्धा की बात थी। श्रद्धा नहीं होगी तो व्यक्ति कैसे बाहर निकलेगा। हमारे में श्रद्धा आई तभी हमने 4 नियमों का पालन करना शुरू किया। किसी आम व्यक्ति को बोलो चाय छोड़ो, पागल है क्यों चाय छोड़ो। हमारे में श्रद्धा थी, इसको छोड़ेंगे हम दीक्षा के योग्य बनेंगे तो हमारा उद्धार होगा। जितनी भी प्रगति हमने भक्ति में की है वो श्रद्धा आधार था। क्योंकि श्रद्धा का भक्ति का मतलब क्या है, आप लोग पूछेंगे क्या जीवन का लक्ष्य हमारा, भगवत धाम जाना, देखा है आपने नहीं, ये क्या है पागल बन रहे हो, हमारा खाओ पियो ऐश करो, किसने अगला जन्म तो देखा नहीं किसी ने, और आप भगवत धाम जाने की बात कर रहे हो, यहाँ की बात हो, यहाँ प्रेजेंट है वहाँ पे रहो। लेकिन हमारे में श्रद्धा है जो हमने देखा ही नहीं है, लेकिन हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये श्रद्धा है तभी तो बढ़ रहे हैं। प्रभुपाद जी विदेश में थे तो एक लेडी रिपोर्टर पूछ रही थी, स्वामी जी आपके पूरे संसार में इतने मंदिर हैं आप कैसे मैनेज करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं माई कृष्णा समस्या, कृष्ण की कृपा से। तो उन्होंने सोचा शायद मेरा प्रश्न समझ नहीं पाया, तो रिपीट किया, फिर प्रभुपाद उत्तर दिया माई कृष्णा समस्या। उसने क्वेश्चन को रिफ्रेम किया, आप इतने मंदिर चलाते हो, चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो पैसा कहाँ से आता है। प्रभा ने फिर बोला कृष्ण की कृपा। लेडी रिपोर्टर को लगा बूढ़े व्यक्ति हैं वो मेरी बात समझ नहीं पा रहे, तो साथ में रामेश्वर महाराज खड़े थे, उनसे पूछ लिया हाउ फ्रॉम वेयर द मनी कम्स। अब रामेश्वर महाराज अपने गुरु की बात को ही दोहराएंगे, उन्होंने बोला कृष्ण की कृपा। स्वामी बड़ी घबरा गई, फिर उन्होंने बोला स्वामी जी आप पहले क्या करते थे, आपका क्या मोटिवेशन था। प्रभुपाद बोला क्यों बताऊँ आपको मैं, वही सब बका गए आपको, आपको क्यों बताऊँ मैं। तो फिर रामेश्वर महाराज ने बोला प्रभुपाद ये आपकी पुस्तकों के बारे में लिखेगी और उसमें ऑथर के बारे में लिखेगी तो पुस्तकें ज़्यादा आप लिखेंगी, फिर देन आई कैन टेल, फिर बता सकता हूँ। तो भगवत धर्म का प्रचार करने के लिए प्रभुपाद पूरे तैयार थे, फिर मैं बताऊँगा अन्यथा नहीं। तो प्रभुपाद जी में कितनी श्रद्धा थी, प्रभुपाद इतने बड़े बड़े रिस्क ले लेते थे, और जैसे आप डेट्रॉइट में फिशर मैंशन की कथा आती है प्रभुपाद लीला में तब पढ़ेंगे, बिल्कुल एक महल की तरह था वहाँ पे, और प्रभुपाद वहाँ देखने गए और प्रभुपाद सब कह रहे हैं प्रभुपाद ये तो माया है माया, बोले माया नहीं यहाँ अल्टर आएगा, एक बहुत सुंदर लेक थी वहाँ पे, बोले यहाँ बोट फेस्टिवल करेंगे, बड़ी इटालियन टाइल्स लगी हुई, सुंदर सुंदर शैंडेलियर्स, बिल्कुल महल की तरह था। तो साथ में डील करने बैठ गए, साथ में एक माता जी थी प्रॉपर्टी डीलर, तो पापा ने उसको देखा ही नहीं, सीधा बात करना शुरू कर दी। प्रभुपाद बोला देखो जी हम तो भिखारी हैं ना, हमें ऐसे ही तो व्यक्ति बोला कहाँ से आ गए भिखारी है ऐसे हम फ्री में थोड़ी दे देंगे, बोले कितना चाहिए आपको। उसने कुछ बोला, प्रभुपाद बोला ठीक है हम आपको $3.5 लाख देंगे कैश में, एक पैसा नहीं है जी। ऐसा बोला प्रभुपाद इतने कॉन्फिडेंस से, बोला बोले ठीक है डील डन। वहाँ ने अल्फ्रेड अल्फ्रेड फोर्ड पूछते प्रभुपाद कहाँ से आए, तुम लाओगे गाना धन और डील हो गई सारी। बाद में जिस व्यक्ति ने बेचा था उसको लगा कि मैंने बड़े सस्ते में बेच दिए, वो दारू पी के भक्तों के जो मंदिर था वहाँ पे आया, शोर मचाने लगा, उन्हें कहा गया तुम्हारे वो स्वामी जी वेयर इज अ ओल्ड मैन ही हैज चीटेड मी, इतने सस्ते में डील हो गई मेरी। तो प्रभुपाद जी के अंदर श्रद्धा थी, अटूट श्रद्धा थी कि जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, गुरु के आदेश है, पूरी पृथ्वी पे चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन होगा। तो वो श्रद्धा हमको भी विकसित करनी है, इसी श्रद्धा से। माधुरी कादंबरी में विष्णु श्री ठाकुर बताते हैं श्रद्धा दो प्रकार की होती है, एक होती है स्वभाव की, एक होती है बलोत्पादिका। स्वभाव की मतलब नेचुरल, जो एक आत्मा की स्वाभाविक श्रद्धा है। एक बलोत्पादी का मतलब कि जबरदस्ती उस पर फोर्स की जा रही है, इसी को जीव गोस्वामी बोलते हैं एक शास्त्रीय शास्त्रिक श्रद्धा और लौकिक श्रद्धा। शास्त्रिक श्रद्धा स्वभाव की श्रद्धा है, लौकिक श्रद्धा है बलोत्पाद की। लौकिक श्रद्धा क्या होती है, आप हम सब अपने मंदिरों में भी देखते हैं, एक होती किताब शास्त्रों की बातें, एक होती कही सुनी बातें।
उसमें ज्यादा विश्वास लोग करते हैं, है ना। किसी के पास टाइम है इतना शास्त्रों को पढ़े समझे, तो इधर उधर से जो सुन लेते हैं भैया ठीक है, वही श्रद्धा हो जाती है, वो शॉर्टकट है ना। या फिर बलोत्पालिका है लौकिक श्रद्धा लोगों को दिखाने के लिए, भैया सब मंगल आरती आ रहे हैं, जो मंगल आरती में उसको अच्छा वक्त माना जाता है, चलो मैं भी आता हूँ मंगल आरती में। तो शुरुआत तो ये ठीक है, लेकिन हमारा जीव भक्ति का आधार हमेशा लौकिक श्रद्धा रहेगी तो बहुत समस्याएं आ जाएंगी। जब फिर हमारी परीक्षा की घड़ी होगी तो हम घबरा जाएंगे। तो श्रद्धा होनी चाहिए शास्त्रीय श्रद्धा। शास्त्रीय श्रद्धा और लौकिक श्रद्धा में क्या अंतर है, आचार्यगण बताते हैं। जैसे किसी बच्चे ने माँ का दूध पिया है उसका स्वास्थ्य ठीक होगा, और किसी बच्चे को बेचारे को पाउडर मिल्क पिलाया गया है वो दिखने में बड़ा पोपला सा होगा लेकिन अंदर कोई शक्ति नहीं होगी ना। हिंदी पिक्चरों में बताते हैं ना, अगर माँ का दूध पिया तो सामने आओ। तो अगर वास्तव में किसी ने शास्त्रों, शास्त्र को श्रुति बोला गया, माँ बोला गया, माता है शास्त्र श्रुति, वास्तव में जिसकी शास्त्रीय श्रद्धा है तो संकट के समय में वो घबराएगा नहीं। संकट के समय हमारी श्रद्धा की परीक्षा होती है। लौकिक श्रद्धा है पाउडर मिल्क पिया है तो घबरा जाए, डगमगा जाए। तो इसीलिए पूरी श्रद्धा थी पृथ्वी महाराज जी को, पूरे पृथ्वी के वो राजा थे, सबको छोड़कर ऐसी तपस्या कर रहे हैं और मालूम है कि इससे मुझे अपने जीवन का लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। तो हम लोग भी जो साधना करते हैं पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए, हरिनाम पूरी श्रद्धा के साथ। क्या श्रद्धा होनी चाहिए हरिनाम लेते हुए, कि हरिनाम कृष्ण से अभिन्न है, अभिनतो नाम नामिनो, मैं साक्षात राधा कृष्ण का संग कर रहा हूँ, ये हरिनाम मेरी हर स्थिति में रक्षा करेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। हरिनाम करते हुए हमारे अंदर डर चल रहा होता है, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरा क्या होगा, नहीं, हरिनाम मेरी रक्षा भी करेंगे, हरिनाम मेरा पालन भी करेंगे, और यही हरिनाम मुझे सर्वोच्च सिद्धि प्रदान करेगा। मुझे केवल ध्यान पूर्वक उत्साह पूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए प्रोसेस में। श्रवण कर रहे हैं, श्रवणदास श्रद्धया नित्यम ग्रहण दश्च स्वचेष्टितम काले नाति धीरेण भगवान निश्चिते हि। अगर हम श्रवण भी कर रहे हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ श्रवण कर रहे हैं, श्रद्धा ही नहीं है ये तो सब कहने की बातें हैं, लेक्चर में कुछ बोला जाता है होता कुछ और है, चलो जी अपने काम चलाओ, नहीं, श्रद्धा नित्यम और हमेशा सुनना है उसको। फिर उसके सुनने के बाद क्या करना है, ग्रहण तिष्ठ स्वचेष्टितम, उसको ग्रहण करना है, उसके लिए प्रयास करने हैं, जैसे यहाँ यत्न आया है प्रयास करने हैं। तो फिर क्या होगा, काले नाति धीरेण, बहुत जल्दी भगवान मिश्रते हृदय, भगवान हृदय में प्रवेश करेंगे। कैसे, प्रविष्टा कर्ण रंध्रेण, इन कानों के छेद के द्वारा भगवान प्रवेश करते हैं और हमारे हृदय में जितनी कलमश है उसको साफ कर देते हैं और हमें भगवत धाम जाने के योग्य बनाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम श्रद्धा में रखें, और जब श्रद्धा होगी तभी हम सही ढंग से यत्न करेंगे। भक्ति में हमारे जो दो सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं आगे बढ़ने में, हम शायद पहले भी चर्चा कर चुके हैं, एक है आलस और दूसरा है मिथ्या अहंकार। आलस आता है कौन उठे मंगल आरती, आलस आता है कौन अपने अनर्थों से जूझे, जैसा चल रहा है चलने दो, मैं जाऊंगा भगवत धाम लेकिन यथा रूप जाऊंगा, एज इट इज भगवान मैं आपको पसंद हूँ तो ले जाऊँ मुझे, मैं आपको अपने को बदलने की मैं हिम्मत नहीं कर सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है, ऐसे हम अपने आप करके नहीं सकते, भगवान की कृपा से निर्भर रहना चाहिए लेकिन यत्न करते रहना चाहिए। भगवान देखते हैं कि हम कितना प्रयास कर रहे हैं। भक्ति बहुत डायनेमिक है, कई बार लोग परेशान हो जाते हैं भक्ति में आके, हम उनसे इतनी भाग दौड़ कराते हैं, कभी मैराथन है, कभी जन्माष्टमी, कभी गौर गरिमा, कभी रथ यात्रा, कभी ये कभी वो, यस हमने भगवत धाम जाने की तैयारी करनी है। भगवत धाम में अखंड उत्सव है, नॉन स्टॉप फेस्टिविटीज, वहाँ रेस्ट नहीं है, वहाँ काल का प्रभाव नहीं है, वहाँ हमेशा ऐसा नहीं कि भगवान रात को बंसरी बजाते हैं तो गोपियाँ सो रही हैं, बड़ी मुश्किल से उठती हैं,
फिर भगवान के पास आती है, क्या रात को रोज डिस्टर्ब करते हो, अगर आपको रासलीला करनी है तो फिर आप ना रोस्टर बनाओ, एक कुछ दिन कुछ गोपियाँ आएंगी, इतनी करोड़ों गोपियाँ हैं, सबको क्यों डिस्टर्ब करने की जरूरत है, रोस्टर बनाना बेटर है ना, हमारे साथ ऐसा रोस्टर ही बनाएंगे हम, क्यों रात को डिस्टर्ब करते हैं। तो वहाँ पे जाने की प्रैक्टिस करनी है तो हमें आलस को छोड़ना पड़ेगा। और हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने कभी आलस नहीं किया, प्रभुपाद जी को आदेश मिला था केवल विदेशों में जाके पाश्चात्य देशों में प्रचार करो, प्रभुपाद वहाँ रुके नहीं, प्रभुपाद एशिया में भी आ गए, भारत में भी आ गए, पूरे विश्व में प्रभुपाद पूरे ग्लोब को ढूंढ रहे थे, कहाँ का हमने पूरा जाना है ना। प्रभुपाद के शिष्यों को देखते हैं, आलस नाम की चीज़ नहीं है, बीमारी की अवस्था हो वृद्ध अवस्था हो वैसे ही उसी उत्साह से लगे हुए हैं। तो ये यत्न हम हमेशा करते रहें और ये यत्न करने की शक्ति आएगी हमारे में श्रद्धा से। और यत्न कैसे कर रहे हैं, नित्य सदा सदैव सर्वत्र सर्वथा, सदा के हम तीन उसके ले सकते हैं, सदैव सर्वत्र और सर्वथा, हर समय हर स्थान पे हर अवस्था में करते रहना है ना। भक्ति को कोई नहीं रोक सकता, कोई स्थान नहीं रोक सकती, कोई समय नहीं रोक सकता, कोई परिस्थिति नहीं रोक सकती, भक्ति दिव्य है। कभी कमी है तो कार्य हमारे अंदर दृढ़ इच्छा के करने का प्रयास करना है। और ये सारी दृढ़ इच्छा भी कहाँ से आती है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो श्रद्धा भी है, भगवद गीता के 17वें अध्याय के 3रे श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी, मैं आपके लिए एग्जैक्टली पढ़ता हूँ क्या लिखते हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद लिखते हैं, वंस स्ट्रॉन्ग फेथ इज सपोज टू बी द प्रोडक्टिव ऑफ वर्क ऑफ मटेरियल गुडनेस, किसी की जो दृढ़ श्रद्धा है वो भी सत्वगुण से उत्पन्न होती है, जितना सत्वगुण होगा उसकी श्रद्धा उतनी मजबूत होगी ना। और सदा हमेशा लगे रहना है, 24 घंटे हमने भगवान की सेवा में अपने आप को रत रखना है, यही साधना भक्ति है। स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चे सर्विघ्नेषेद इति एव किंकरा। 24 घंटे, सुबह दोपहर शाम का टाइम, सुबह का टाइम सतोगुण का टाइम है, दोपहर का रजोगुण और रात का तमोगुण, हमने अपने तीनों गुणों को भगवान की सेवा में लगाना है। रजोगुण को कैसे लगाते हैं भगवान की सेवा में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, तो हमारा जो रजोगुण है वो भगवान की सेवा में लग रहा है। लेकिन हमारे जीवन का आधार सतोगुण होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रजोगुण में रहते हैं तो हम सेवा का लक्ष्य भूल जाते हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए सेवा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं तो क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं वो भूल जाते हैं। तो सतोगुण का प्रभाव ज़्यादा होना चाहिए। और तमोगुण को कैसे हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, सोते हैं, हाँ सो के, जब के समय नहीं, क्लास के समय नहीं। कई लोग अपनी नींद जब और क्लास में पूरी करते हैं। तो 6 घंटे हम सो जाएं, अगर 6 घंटे सो के 18 घंटे हम भगवान की सेवा में लगे हैं तो 6 घंटे सोने के भी भगवान की सेवा में काउंट कर जाएंगे। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करता है उसको पूरे महीने की सैलरी मिलती है, जिसमें 4 संडे भी होते हैं, तो 4 संडे काटेंगे नहीं वो, बोले ठीक है कोई बात नहीं, 26 दिन काम किया, 4 छुट्टियां हमको मिलनी चाहिए। तो डीजी कोई व्यक्ति ये बोले बिना संडे के आप मुझे सैलरी दे रहे हो तो पूरा महीना मैं छुट्टी करूँगा, तो पूरे महीने की सैलरी मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, केवल इतना अलाउड है, 4 छुट्टियां अलाउड है। उसी ढंग से 24 घंटे में से 6 घंटे हम बस जीव शरीर की आवश्यकता है, तो 6 घंटे निद्रा के लिए अलाउड है, वो करने के बाद बाकी 18 घंटे हमें पूरे उत्साह के साथ भगवान की सेवा में लगना है सदा। तो उसके लिए ये जो कंसिस्टेंसी है ये भी आती है सत्वगुण से। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्टिके, नित्य भागवत सेवा करेंगे तो तदा रजस तमो भावो काम लोभा आदि चेतनापति स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। रोज भागवतम का ध्यानपूर्वक हम श्रवण करेंगे तो
प्रभुपाद लिखते हैं बाय रेगुलर अटेंडेंस इन भागवतम क्लास तो हमारे अभद्र नष्ट हो जाएंगे और हम सतोगुण में स्थित होते हैं। तो भक्ति में उन्नति करने के लिए, श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए, भक्ति में स्थिरता लाने के लिए, जल्दी से निष्ठा की अवस्था में आने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम सतोगुण को अपने जीवन में विकसित करें, है ना। वैसे तो हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम की स्थिति तो शुद्ध सत्व है, लेकिन शुद्ध सत्व तक आने के लिए सतोगुण एक लॉन्चिंग पैड है। गोलोक एयरलाइंस का प्लेन हमें मिलेगा तो वो सतोगुण क्या है, एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट पे जाके आपके पास टिकट भी होनी चाहिए तभी आप प्लेन में बैठ सकते हैं। तो टिकट क्या है, भक्ति है, तो भक्ति होगी, भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति सतोगुण पर निर्भर नहीं है, लेकिन सतोगुण भक्ति के लिए डिजायरेबल है, और अच्छे ढंग से हम भक्ति में दृढ़ता ला सकते हैं, तीव्रता से भक्ति में प्रगति कर सकते हैं अगर हम अपने आप को सतोगुण में स्थित करने का प्रयास करते हैं। तो अपने आप को सतोगुण में कैसे स्थित कर सकते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम है, और आहार सात्विक प्रसाद देते हैं हम, तो जैसी हम क्रियाएं करेंगे उस गुण को हम विकसित कर लेंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मार्टफोन में एंगेज रख रहा है तो कौन सा गुण विकसित करेगा, वो तमोगुण होना जो गुण विकसित करेगा। तो भक्ति में कैसे प्रगति करेगा, शायद हमने पहले भी चर्चा की थी, विश्वनाथ ठाकुर जी बताते हैं रजोगुण और तमोगुण के कारण 5 बाधाएं उत्पन्न होती हैं हमारी भक्ति में, है ना, जो हमें सही ढंग से श्रवण और कीर्तन और मनन नहीं करने देते। पहली बाधा क्या होती है, लय, नींद आना, है ना, श्रवण ही हमारी मेडिसिन है और मेडिसिन देते हुए नींद आ जाती है हमें, जब करते हुए नींद आ जाती है, जब में राधा कृष्ण के साथ मीटिंग है, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो किसी को, इंटरव्यू देने गए आप और इंटरव्यू के सामने आप सो गए, क्या बात है, नहीं भगवान इतने कृपालु हैं, हरे कृष्ण सो गए तो भगवान वेट करते हैं, चलो कब जाकर, अरे अरे हाँ भाई बताओ क्या 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 मांगना चाहते हो, फिर सो गए क्या क्या, इसी ढंग से हम सही ढंग से बोल दें मुझे सेवा चाहिए, भगवान सेवा देने को तैयार है। तो लय बहुत नेचुरल है, पता नहीं ऐसी साउंड वाइब्रेशंस निकलते हैं कि ब्रेन एकदम शांत हो जाते हैं और हम अल्फा जोन में चले जाते हैं, ऐसी नींद कभी नहीं आती जितना हम जब के समय और क्लास में आते हैं। तो लेकिन ये एक अनर्थ है जो कि रजोगुण और तमोगुण के कारण उत्पन्न होता है, ओके, लाइन। दूसरा होता है विक्षेप, विक्षेप में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, हरिनाम बैकग्राउंड में है बाकी सब चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये करना है वो करना है ऐसा करना है वैसा करना है, तो विक्षेप है। और तीसरा क्या है, अप्रतिपाती, अप्रतिपाती में क्या है कि ना नींद आ रही है ना माइंड उधर भाग रहा है, उत्साह की कमी है, उत्साह ही नहीं, बस किसी ढंग से काउंटिंग पूरी करो, हरे कृष्ण हरे खत्म करो, क्लास में बैठना तो बैठा दो भाई कोई बात नहीं तभी प्रसाद मिलेगा, बैठना पड़ेगा, बैठ गए उत्साह नहीं है। और चौथा है रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव, कषाय, कषाय का मतलब है कि हमारे पुरानी गंदी आदतें आना शुरू हो जाती है भक्ति करते हुए, लोभ काम पुराने गंदी इच्छाएं, फिर से टीवी देखने की इच्छा, क्रिकेट मैच देखने की इच्छा, स्कोर सुनने की इच्छा, और गंदी इच्छाएं दोबारा से हमें शुरू हो जाती है, ये रजोगुण तमोगुण का प्रभाव। और पांचवा है रस अस्वाद, कोई रस नहीं आ रहा, भगवान की लीलाएं इतनी रस रस से भरी हुई हैं कि हमें कोई स्वाद ही नहीं आ रहा, हरि नाम में कोई स्वाद नहीं आ रहा, कोई टेस्ट नहीं आ रहा, ये किसके कारण है, रजोगुण और तमोगुण। कौन कौन सी 5 बाधाएं हैं, पहला क्या है, लय, दूसरा विक्षेप, तीसरा अप्रतिपाती, चौथा कषाय, और पांचवा रस अस्वाद। तो ये हम सबकी समस्या है और ये हमारी श्रद्धा को भी कमजोर बनाता है क्योंकि प्रोसेस का हमें पूरा लाभ नहीं मिल रहा और हमें भक्ति में आगे बढ़ने से रोकता है।
तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना है, हमने सत्वगुण, ये तीनों गुण आपस में कॉम्पीट करते रहते हैं, तो हमें सत्वगुण को बढ़ाना मेरे हाथ में है, मैंने ऐसी क्रियाएं करनी है जिससे मेरा सत्वगुण बढ़ेगी, मेरी फ्री विल है मैंने किस गुण को बढ़ाना है। और रजोगुण और तमोगुण रहेंगे तो हम अन्य अभिलाषिता शून्यम भी नहीं होंगे, हमारे भक्ति के पीछे कुछ हेतु होगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, वीर राघव आचार्य जी को कोट कर रहे हैं कि भगवत धर्मणि का मतलब है निवृत्त धर्म, कोई कल्मश नहीं है उसमें, कोई भौतिक इच्छा नहीं है। भक्ति करते हुए हम कुछ भौतिक इच्छा रख रहे हैं, मुझे कुछ पूजा लाभ प्रतिष्ठा मिल जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो उसी के समान है जैसे व्यक्ति कोई बहुत अच्छा भोजन पौष्टिक भोजन कर रहा है लेकिन उसके पेट में कीड़े हैं, कीड़े मोटे होते जाएंगे उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा ना। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी को बताते हैं उपशाखाएं, भक्ति लता बीज के साथ साथ हमारे हृदय में और बहुत से बीज हैं, भोगने के बीज हैं। अगर हम हरि नाम ले रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं अपनी कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो उन बीजों का सिंचन कर रहे हैं, वो उपशाखाएं विकसित होती जाएंगी और भक्ति लता विकसित नहीं होगी। तो इसीलिए कई बार हम ध्यान से अपने हृदय को देखें तो असली श्रद्धा है, असली भजन है भगवान की सेवा करना, लेकिन कई बार भक्ति की आड़ में हम अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे होते हैं। जो इच्छाएं मेरी भौतिक जगत में पूरी नहीं हुई, मैं भक्तों के समाज में आके भक्ति की आड़ में वो अपनी इच्छा पूरी कर रहा हूँ, तो वो भगवत धर्म नाम नहीं है और वो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है। तो ये बहुत सुंदर हमें शिक्षा दे रहे हैं पृथ्वी महाराज कि हम सब भी भगवत धर्म के मार्ग में हैं, तो हमको भी भगवत धाम वापिस जाना यही जीवन का लक्ष्य है, हमको भी साधना भक्ति प्राप्त हुई है, पृथ्वी महाराज को सनत कुमार जी से प्राप्त हुई, हमें श्रील प्रभुपाद जी से प्राप्त हुई, हमें भी अपनी साधना में श्रद्धा दृढ़ बना के रखनी है, शास्त्रीय श्रद्धा रखनी है, सद्गुण में आएंगे श्रद्धा और पक्की होगी, हमेशा यत्न करते रहना है दृढ़ता के साथ, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए संसार में अपने व्यक्तिगत जीवन में, हमें भक्तों के संग में रह के यत्न करते रहना है और सदा रहना है 24 घंटे हम देखें कि हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं। अगर हम कोई काम धंधे पे भी जा रहे हैं, घर में भी पालन पोषण कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो चेतना यही रखनी चाहिए कि हम हमेशा भगवान का स्मरण कर सकें। तस्मात् सर्वेषु कार्येषु माम अनुस्मरण, इसका अगला श्लोक क्या है, अभ्यास योग युक्तेना चेतसा ना अन्यथा, इसकी प्रैक्टिस करनी है, चेतना इधर उधर जाएगी, चेतसा ना अन्य कामिना, चेतना को इधर उधर ना जाने दें। अगला क्या है, परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन, अगर ऐसा करेंगे तो हम परम पुरुष को प्राप्त करेंगे इस अनुचिंतन के साथ, इस चिंतन की प्रैक्टिस करके। तो कैसे कर सकते हैं, ऑलवेज चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद जब विदेश में थे तो उनके पास कुछ साउथ इंडियन लोग आए, बोले आपका मंदिर बड़ा अजीब सा है, इसमें घंटी नहीं है, मंदिरों में घंटियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, आपके मंदिर में घंटी नहीं है। प्रभुपाद बोले हमारे हर भात कोने की घंटी दे रखी है और हमेशा बजती रहती है, कौन सी घंटी है, बोले जीवा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी काम कर रहे हैं हमेशा कीप ऑन चैंटिंग, अगर वैसे चैंटिंग नहीं पड़े तो मेंटली चैंट करते रहे, जितना तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्ध च, मेरा अनुस्मरण पहले करो फिर युद्ध करो, इसका चेतना नहीं लगेगी, अभ्यास योग युक्त न चेत सा ना अन्य कामिना, मन भागेगा ही भागेगा, मन की प्रैक्टिस है, मन को आदत है इधर उधर भागना, उसको पकड़ के लाना है, तो ये प्रैक्टिस करनी है, ये अभ्यास योग करना है, यही हमारी साधना है, पूरे साधना भक्ति का जो सार है वो है हमेशा कृष्ण का स्मरण बना रहे, ये साधना भक्ति का सार है। हम साधना भक्ति कर रहे नहीं, कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहे, तो हम भक्ति में लगे कि हम कुछ फल प्राप्त हो रहा है। कई बार भक्तों को लगता है कि जो भक्ति के लाभ बताए गए शास्त्रों में प्राप्त नहीं हो रहे, क्यों, बुरा ना माने, हम उत्तम भक्ति का प्रयास नहीं कर रहे होते,
अहेतु की अप्रतिहता नहीं। अगर भक्ति के पीछे कुछ हेतु है, वो हेतु पूरा नहीं हुआ तो अप्रतिहता भी नहीं रहेगी, वो स्टॉप हो जाएगी। ये मेरा लक्ष्य तो पूरा हुआ नहीं, मैं क्यों करूँ? तो कई भक्त लोग नाराज होकर मंदिर आना बंद कर देते हैं। बोले ठीक है, घर में बैठ के मैं 16 माला कर लूंगा। संभव नहीं है। भक्तों के संग में ही अप्रतिहता भक्तों का संग होना चाहिए, अप्रतिहता श्रवण होना चाहिए, जप होना चाहिए। क्यों? तब क्या होगा? जब अहेतु की हो। तो अहेतु की कब आएगी? जब अपने आप को अच्छे ढंग से भक्तों का संग करेंगे, नित्य भागवत सेवा करेंगे और अपने जीवन में हम सद्गुण को विकसित करेंगे, तब फिर ये तीन गुण अपने अंदर विकसित करेंगे और फिर हम अविषया भवन, हमारी भक्ति में और कोई विषय नहीं होगा, केवल कृष्ण की प्रसन्नता। ठीक है, हरे कृष्ण। इसे कोई प्रश्न है या लिखनी है? मेरा प्रश्न भक्ति के अंगों से संबंधित है। आपने जैसे बताया कि भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग भक्ति के हैं और उसमें जैसे अनन्या विलासिता के ऊपर खास जोर दिया गया है, इसी तरह से जैसे नवधा भक्ति होती है, नवधा भक्ति में 9 अंग हैं। ऐसा कहा जाता है कि नवधा भक्ति के वैसे तो प्रयास यही करना चाहिए 9 के 9 अंग हम पालन करें, जैसे महाराज अम्बरीश ने किया, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सारे ही पालन करें। तो ऐसा भी प्रोविजन है कि एक अंग को अगर हम पालन कर लें अच्छे से तो उसमें भी इतनी शक्ति है कि भगवत हम जा सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा ही प्रोविजन क्या 64 अंगों के लिए भी है? हाँ, 64 अंग बताने के बाद फिर सनातन गोस्वामी को चैतन्य में आपने 5 पंचांग भक्ति बताई, साधु संग, भागवत हरि नाम, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति और श्रद्धा सेवन। बोले 5 अंगों में इतना लाभ है, इतने शक्तिशाली है, इसका एक का भी अल्प सेवा करने से प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो उसमें सबसे प्रमुख है साधु संग। अगर हम साधु संग करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी सारे अंग तो हो ही जाएंगे। तो 64 अंगों में से 5 अंगों को मुख्य पकड़ ले तो उसमें हमें बहुत शक्ति मिलेगी। और कोई मेरा प्रश्न ये कि जैसे आपने अभी बोला कि भक्ति के कार्य करते स्मरण रहना चाहिए, तो स्मरण से क्या अभिप्राय भगवान की लीला, भगवान गुरु क्या विशेष रूप से इसको सब कुछ है? भगवान का नाम, भगवान के नाम को आप बोल रहे हैं, आज अपने भगवान के दर्शन किए, भगवान के रूह का भी चिंतन कर सकते हैं, आज अपने लेक्चर सुना, आज अपने कुछ पढ़ा उस फिलॉसफी का भी चिंतन कर सकते हैं, उस श्लोक का स्मरण कर रहे हैं, श्लोक के बारे में सोच सकते हैं, सेवा की योजना बना सकते हैं, कैसे सेवा को मैंने और बेटर करना है, सेवा कैसे करनी है, ये भी चिंतन है। दो प्रश्न थे, एक तो जैसे आपने बताया कि सतगुण से श्रद्धा का विकास होता है और दूसरे हम चीज में देखते हैं कि श्रद्धा एक आध्यात्मिक चीज है जो भगवान से आती है, भगवान भी जो भी देते हैं आध्यात्मिक होती है और सतगुण एक भौतिक है। तो एक तो ये प्रश्न, दूसरा मुझे कई बार देखा जाता है भक्त बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे होते हैं नियमों को पालन करने के बाद भी, फिर भी उनका अपने श्रद्धा के साथ इंटरव्यू बड़ा एक स्ट्रगल चल रहा होता है, सब नियम चल रहे हैं, वॉलीबॉल भी अच्छे करें, अच्छे से प्रयास भी कर रहे होते हैं, इंटरनल स्ट्रगल पहले तो वास्तव में जो श्रद्धा है वो दिव्य है, तभी हम भक्तों से मांगते हैं तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम अतने। श्रद्धा वास्तव में आध्यात्मिक जगत से आती है, लेकिन इस भौतिक जगत में हम 3 गुणों के अंदर हैं, तो वो हमें जो श्रद्धा बिंदु मिला, वो भक्ति लता बीज के रूप में जो प्राप्त हुआ, उसको हम कैसे डील करते हैं वो हमारे सतोगुण पर निर्भर करता है। हम सबको श्रद्धा बिंदु प्राप्त हो गया है भक्ति लता बीज के रूप में, अब मैं किस गुण के अंदर हूँ उसके हिसाब से मैं उसको भक्ति में करूँगा। तो जो सतगुण होगा तो मैं उसका अच्छा विकास कर पाऊंगा। शास्त्रीय श्रद्धा दूसरों से सुन के करते हैं, दूसरों का अनुभव होता है, एक है अपना पर्सनल अनुभव शास्त्रों के बेस पर, एक भी दूसरों को सुन के या दूसरे के अनुभव पे हम श्रद्धा रखते हैं, तो दूसरे के अनुभव को सुन के थोड़ा श्रद्धा में फिर भी एक थोड़ा सा
एक कमी आ जाती है, आपकी जब तक श्रद्धा नहीं आती जो डीप रियलाइजेशन होती है, तो इसमें इसको कैसे प्राप्त किया जाए? हाँ, सही, सबसे अच्छा है कि हम जो शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको जब अपना अप्लाई करने का प्रयास करते हैं तो श्रद्धा हमारी दृढ़ होती है, तो हमारा श्रद्धा विश्वास और बढ़ता है। दूसरों की रियलाइजेशन सुनते हैं, उसकी रियलाइजेशन को सुन के भी हम अपने जीवन को उतारने का प्रयास करते हैं, तब भी श्रद्धा बढ़ती है। लेकिन दूसरों की रियलाइजेशन शास्त्रों पर आधारित होनी चाहिए। वो लौकिक होगा कि मैंने गोवर्धन की परिक्रमा की, मैं LIG फ्लैट से कोठी में आ गया, यार ये बहुत बड़ी बात है यार, चलो मैं अभी शुरू करता हूँ, मेरे साथ नहीं हुआ तो मेरी श्रद्धा कमजोर हो गई, तो वो लौकिक श्रद्धा हो गई, है ना। उसकी रियलाइजेशन हम जब शास्त्र पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, तो हमें मालूम चलेगा कि दूसरों की रियलाइजेशन शास्त्रों पर आधारित है कि नहीं है। मुख्यतः ही शास्त्रों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न क्या था आपका? कई बार नियमों का अच्छे से पालन भी कर रहे थे, लेकिन पुराने संस्कार या फिर जैसे भी हैं, लेकिन उनका इंटरनल स्ट्रगल बहुत चल रहा होता है, तो श्रद्धा में श्रद्धा का बनना कूदना लगा रहता है, तो एक देवता नहीं बन पाती कई समय की प्रयास ही पालन, इसका कारण और इसका उपाय? उसका कारण तो मैं समझ सकता हूँ, संघ किस प्रकार का वो संघ कर रहा है, किस प्रकार के भक्तों के बीच में है, और दूसरा कितना शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, शास्त्रों को अच्छे ढंग से पढ़ना सुनना, और भी अच्छे ढंग से प्रभुपाद के शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर ऐसी समस्या नहीं होती, ऐसे भक्तों के बीच में है। तो संस्कार तो सबको सताते हैं, लेकिन भक्तों के संग में हमें शक्ति प्राप्त हो जाती है। समटाइम्स हमारे साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो इतने प्लेजेंट नहीं होते, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, तो उससे क्या होता है कि कभी कभी श्रद्धा बहुत कम होती है, कभी कभी इस डिग्री तक भक्त जीवन में कम होती है कि भक्ति छोड़ के चले जाते हैं, और कभी कभी इतनी मतलब भक्ति छोड़ के नहीं जाते लेकिन बहुत साथ खत्म हो जाता है, स्पीड स्लो हो जाती है। तो ऐसे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस होने जब होते हैं तो हम किन बातों का ध्यान रखें, ऐसे क्या करना चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि स्पीड कम ना हो पाए? अच्छा प्रश्न है, थैंक यू। और अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हम सबके साथ होंगे, ये तो पूरा भौतिक जगत बना है इसीलिए हमें कष्ट मिलने के लिए, और हमारा माइंड भी ऐसे बना है कष्ट पाने के लिए, आइडियल कॉम्बिनेशन है। ये तो हमारा माइंड ऐसे हम छोटी बात पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, और भौतिक जगत भी ऐसा कि हमें डिस्टर्ब करता ही रहता है, तो ये चलता रहेगा, कोई ना कोई माध्यम बनता ही रहेगा हमारे डिस्टर्बेंस के कारण। लेकिन ये भी डिस्टर्ब जितना ज़्यादा हो रहे हैं इसका मतलब हमारे अंदर रजोगुण का तमोगुण ज़्यादा है, सतोगुण से स्थिरता आती है, इसीलिए सतोगुण को विकसित करना बहुत ज़रूरी है। और हम खुद देख सकते हैं अगर हम छोटी बातें विचलित हो रहे हैं तो बहुत रजोगुण है, और स्थिरता है इसका मतलब सतोगुण हम विकसित कर रहे हैं। तो किन चीज़ों का हम ध्यान रख सकते हैं, अभी मेरा सतोगुण बढ़ा नहीं और मैं विचलित हो रहा हूँ, एक भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहे, कुछ भी होता रहे मैं हमेशा भक्तों में संग में रहूं, भक्त लोग मुझे संभालते हैं, मेरे में इतना सतोगुण नहीं है और मैं विचलित हो रहा हूं, सो मैं कभी भी भक्तों का संग ना छोड़ूं, कुछ भी हो जाए भक्तों का संग हमेशा होना चाहिए, ये हम प्रार्थना करते रहे, ये गलती कभी ना करूं मैं, तो जो भी उतार चढ़ाव आएंगे भक्त हमें संभाल लेंगे, है ना। किसी भक्त ने हमें कष्ट दिया तब भी भक्तों का संग नहीं छोड़ना, वो एक आपने देखा है परकुपाइन, सेम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, परकुपाइन बड़े कांटे होते हैं, सेम बोलते हैं शायद, वो ठंड के ठंडे इलाकों में रहती है, तो ठंड लगती है तो दोनों पास में आ जाते हैं, पास में आते हैं दोनों के एक दूसरे कांटे चुभते हैं, कांटे चुभते हैं बड़ा कष्ट होता है, फिर दूर चले जाते हैं, दूर चले जाते ठंड इतनी लगती है कि अपना बचना मुश्किल है, तो पास में आना ही पड़ता है, तो अपने बचाव के लिए भक्तों के पास भी आना है, कोई चुप भी रहे तब भी अलग गए तो मर जाएंगे, तो अगर हम डिस्टर्ब भी हो रहे हैं कोई बात नहीं, एक भक्त से डिस्टर्ब हो रहे तो दूसरे भक्ति शरण में चले जाएं, कुछ हो जाए, लेकिन भक्तों के संग में रहें, और
खुद कम डिस्टर्ब हो, इसके लिए शास्त्रों को अच्छे ढंग से पढ़ते रहे, अपने अंदर सत्व गुण को विकसित करें। यस माता जी, मेंटली हमारी लिमिटेशंस होती हैं, शरीर में भी क्षमता है, दिमाग की भी क्षमता है, जितनी बुद्धि होती है उतनी बात समझ में आती है, पर कई बार हम उत्साह में आके अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं, थोड़े टाइम तो सही चलता है, फिर उसका परिणाम ये होता है कि हम कलैप्स हो जाते हैं। तो हम ऐसे कैसे अपना बैलेंस करें, और जो भी कर रहे होते हैं फिर वो कलैप्स हो गए तो सब हो जाता, फिर दोबारा से फिर ठीक करके फिर लड़ना पड़ता है। तो हम कैसे अपना बैलेंस बना के चले कि भाई ये चीजें हमारी औकात के बाहर हैं, इतनी लिमिट में रहें, इतना करें, धीरे धीरे चलते रहें। यस, भक्ति के 64 अंगों में एक अंग ये भी है कि अपनी योग्यता से ज्यादा बाहर ना जाए, ये भी एक अंग है। तो इसीलिए गुरु के निर्देशन में ही करना चाहिए, पर्सनल सुपरविजन में ही करना चाहिए। एक अंग है उसमें हम कई बार बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, वो भी रजोगुण का प्रभाव है। तो इसीलिए बेबी स्टेप्स लेने चाहिए, छोटे छोटे संकल्प लेने, तो ऐसे लोग जिसको पूरा कर सके थोड़ा स्ट्रेच करके, उसको करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, फिर धीरे धीरे हम बड़े स्टेप्स भी ले सकते हैं। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा जब करते हैं, जो अच्छा जब करते हैं हमेशा यही प्रश्न पूछे। तो अच्छा जब के दो लक्षण है प्रभु जी, जो मैं समझ पाया कि हमारे जब में संघर्ष जरूर होना चाहिए, कि मन तो भटके ही भटकेगा, हम कितना संघर्ष कर रहे हैं मन के साथ, हम नहीं भटक रहे, कि मन भटक गया उसको फिर वापस ला रहे हैं, फिर भट रहे हैं, फिर वापस ला रहे हैं, नींद आ रही तो खड़े हो रहे हैं, सुबह रात को कम सो पाए, नींद आ रही है तो खड़े हो जाए तुरंत, फिर हो रहे हैं चल लें, भगवान देखते हैं कि कितना प्रयास कर रहे हैं, हमारी लिमिटेशन हैं शरीर की मन की, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, तो ये अच्छा जप है। दूसरा और अच्छा जप होगा कि हमारे भगवान की कृपा, भगवती की कृपा, भक्तों के पास से नींद भी नहीं आ रही, बहुत अच्छे ढंग से हम फोकस कर रहे हैं, तो हमारी इच्छा नहीं करेगी 16 माला को छोड़ने की, हम कहेंगे चलो और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, अरे शंख क्यों बजा दर्शनार्थी का, अच्छा और माला कर रहा है। तो ये दो लक्षण हैं इसमें हम देख सकते हैं। थैंक यू भाई, मुझे मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक तो मुझे अपने जो प्रोसेस बताया है, लैम विक्षेप प्रतिपति कषाय और रस अश्वत्थ, तो ये कैटेगराइज हैं क्या कनिष्ठ अधिकारी होते हैं उसमें भी कैटेगराइज नहीं है मुझे, जैसे कनिष्ठ अधिकारी होते हैं मध्यम अधिकारी होते हैं, ये कनिष्ठ नहीं होंगे सारे कृष्ण। हाँ, तो जैसे वो भगवद्गीता के तात्पर्य को लिखे हैं जनवती मनुचित कृष्ण प्रदार का श्लोक जो आता है, जो कनिष्ठ है वो थॉट्स में बह जाते हैं, छोले टीवी देख ही लेता हूँ, लेकिन जो उत्तम है वो थूकता है उसको, यानी थॉट तो आएंगे, थॉट्स तो आएंगे, थॉट्स तो आते रहेंगे, रुचि किस चीज में चले जाओगे, निष्ठा किस चीज़ में, रुचि किस चीज़, मन भटकेगा लेकिन हम नहीं भटकेंगे, कनिष्ठ अधिकारी भटक गया था विचारों के साथ। दूसरा उन्होंने बताया सो जो स्ट्रगल है, जैसे जब पूरा स्ट्रगल हो रही है तो नवाभास की तरफ प्रयास है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं नवाभास, ये चीज़ ये जब कंप्लीट हो जाता है लेकिन इच्छा भी होती है लेकिन फिजिकल अलाउ नहीं करता कभी कभी गले से या कम से कम 16 माला तो वैसे कर लें। पर ये प्रश्न था कि जैसे भक्ति या डिवोशन सर्विस का प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी सेवा करने का प्रयास करते हैं, उसको अहेतु की कैसे करें, जैसे कि जब भी उसमें कुछ अपना लाभ नहीं दिखता तो उतना उत्साह नहीं आता है। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन सपोज कर रहा हूँ तो अच्छा स्कोर करके दिखाऊँ,
ताकि लोग बोले हाँ ये अच्छा स्कूल किए हैं, या कोई भी सेवा फंड कलेक्शन करिए, मेरे भक्त भी इच्छा की उनको उतना फिर केयर करूँगा, दूसरे के तो उतना केयर नहीं। तो मतलब ये अपनी हेतु क्लोजी रहता है कि कोई भी कार्य करो उसमें मेरा, जैसे प्रभुपाद जी की ठीक है अच्छा सेवा होना चाहिए भगवान के लिए, सेवा मेरे द्वारा होना चाहिए अच्छा वाला, ये क्यों अच्छा कर दिए ऐसा, तो कैसे हेतु की क्लोजी उस करें। देखिए भगवान हम अपने एक्सपीरियंस से देख लेंगे, जब तक इस तरह की भक्ति करेंगे ना कभी संतुष्टि नहीं आएगी, कभी संतुष्टि नहीं। और इस तरह की भावना रखना, हेतु रखना, मतलब द्वेष, द्वेष रहेगा ही रहेगा, भगवान की सेवा हो लेकिन मेरे माध्यम से, उसने उससे अच्छी क्यों कर दी, मेरी से अच्छी सेवा क्यों कर दी, तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाए। तो हम बोल गए यार इतने साल हो गए हो गए इसको, शुरू में व्यक्ति आता है उसको उसको यही होता है, चलो उसको भी थोड़ा पंप किया, कोई बात नहीं करो यार आप इंचार्ज बन जाओ, अपना मनमान आ जाओ, चलो करो। लेकिन जब व्यक्ति भक्तों का संग कर रहा है और पढ़ रहा है शास्त्रों को, बोल रहा है यार मुझे भी ऐसा चाहिए जो एक्सटेसी पृथ्वी महाराज को मिल रही है, ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज को, मुझे भी ऐसे चाहिए, जब ये इच्छा उत्पन्न हो जाती है फिर वो कहेगा नहीं मुझे नहीं करना है, समझ रहे बात। अभी हमारे को अभी हमारा वही मटेरियल कंसेप्शन के साथ ही हम भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि भौतिक जगत में नंबर वन आना बहुत अच्छा रहता है, यहाँ भी नंबर वन बनना है, यहाँ नंबर वन बन भी गए, ना कृष्ण संतुष्ट होंगे, ना गुरु संतुष्ट होंगे, ना मैं संतुष्ट होंगे, नंबर वन रहूँगा। तो जब ऐसे बहुत बार ही हो जाएगा तो बड़े यार कर क्या रहा हूँ मैं, तो अपने अनुभव से और शास्त्रों की बातों से खुद ही समझ में आएगा ये नहीं करना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करेंगे ना धनम ना जन्म ना सिंह करें ऐसी स्थिति में पहुंच सकूं, प्रयास करें। मुश्किल है, बहुत गहरी इच्छा है हमारे को भोगने की, बहुत गहरी इच्छा है, तो प्रार्थनाओं से और भक्तों की कृपा से जा सकती है। प्रश्न ये है कि फैमिली लाइफ, गृहस्थ लाइफ में होते हुए जैसे हमारी चीज़ें, हमारे फैमिली का पोषण वगैरह है, सब कुछ है जो बेसिक नीड्स हैं, और अंदर में भी सेवा जैसे होती है कॉन्ट्रीब्यूशन उसकी, तो अलग लगता है लाइक कभी इनकम पे आघात आता है, उसकी इनकम पे आघात आता है, सोर्स ऑफ इनकम पे, जैसे वो बिजनेस में लॉस हो गया या जॉब कुछ टाइम के लिए फॉर एग्जाम्पल ले रही, तो उस टाइम में डर सा लगता है जैसे बड़ा मन प्रचलित होता है, तो उससे कैसे बचा जाए। मन विचलित होना स्वाभाविक है, कोई भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आएगा मन तो विचलित होगा ही होगा, हम ऐसे नहीं हो सकते, हमारे अंदर इमोशंस ही नहीं है, ऐसे मैं चट्टान की तरह हूँ ऐसा तो होगा नहीं, मन जरूर विचलित होगा लेकिन कुछ समय के बाद फिर से हम सेवा में आ जाएंगे। इमोशंस विल नॉट ओवरवेल अस, है ना। अर्जुन ने पूरी गीता सुनी, अभिमन्यु का वध हो गया, अर्जुन बहुत रोया लेकिन रोता ही नहीं रहा, फिर यानी कि डिप्रेशन में चला गया। दो साल के बाद आया भगवान, बताओ क्या करना है, बकाये हो गया एकदम, नहीं तुरंत सेवा फिर से युद्ध शुरू कर दिया। तो कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होता ही रहेगा और हम डिस्टर्ब होते रहेंगे, और तो डिस्टर्बेंस होने नेचुरल है, लेकिन फिर से हम अपने आप को भक्तों के संग में रखेंगे तो चल सेवा करते रहें, जो बेस्ट कर सकते हैं वो करते रहें। हर परिस्थिति में हमें ये अपने आप को सोच पूछना है, वॉट बेस्ट आई कैन डू, हाउ बेस्ट आई कैन सर्व, बस। चाहे धन बहुत ज़्यादा है तब भी, धन नहीं है तब भी, नौकरी है नौकरी नहीं है, घर में शांति है घर में नहीं है तब भी, ये अप्रतिहत है, ये प्रयास करते हैं, बिकॉज वो वास्तविकता है, बाकी सब सपना है। आपका 2 करोड़ का पैकेज हो गया वो भी सपना है, वो नौकरी चलेगी वो भी सपना है, इट्स अ ड्रीम वर्ल्ड। सच्चाई वही है कि मुझे भगवान की सेवा करें, तो सत्य को पकड़ के रखें, वो होगा सत्संग में भक्तों को सत्य। डिस्टर्ब होना नेचुरल है, बुरा सपना आएगा तो हम कई बार चिल्लाते हैं सपने में, तो वो तो होगा ही, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सपने से जाग जाए, सपने में नहीं। जैसे डिस्टर्बेंस की सिचुएशन में क्विकेस्ट वे कैसे, हम सबसे जल्दी हम कौन से तरीके से हम वापस ट्रैक पे आ सकते हैं, डिपेंड करेगा हर एक के ऊपर। कई लोग हरिनाम लेना शुरू कर देते हैं, कोई कीर्तन शुरू कर देगा, कोई भागवतम की शरण लेगा, जो आपको भक्ति में सबसे ज़्यादा स्फूर्ति देता है
वैसे हरि नाम कीजिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। भक्तों के संग में अपना हृदय छोड़िए और क्लीन हो जाए, दोबारा से शुरू कीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। वजगुण और तमोगुण की वजह से भी हमारे जो बहुत सारे अटैचमेंट्स डेवलप हो जाती हैं इसके कारण, और फिर जो अटैचमेंट का जो लंगर है जी उसके साथ में जब मैं चाहे भक्ति कोई भी क्रिया कर रहे हैं लेकिन जब प्रगति नहीं कर पाते भैया, तो मतलब वही वही कोई चीज का अटैचमेंट हो गई तो नाम भी लेगा उसमें कोई क्या आने वाले वो भी अपराध से अपराध वाला नाम होगा, तो कैसे भैया मतलब उसको हम ओवरकम कर सकते हैं? सतगुण बढ़ाना और कोई तरीका नहीं, तो एक बार फिर प्रोसेस धीरे धीरे प्रोसेस है नेचुरल ब्लड फास्ट कैसे करते हैं, धैर्य रखना भी सतगुण का लक्षण है। अधीर मत होइए, धैर्य रखिए और फल हमारे हाथ में नहीं है, आपने जो हम कर सकते हैं वो करते रहे और भगवान की कृपा पर निर्भर रहे। सब अपना बहुत बहुत धन्यवाद ग्रंथा श्रीमद भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।